हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपके पास ये योगी मोदी वाला फ़ोन है जो कि बीए वालों को मिला है, और अगर आप इसका जो वॉलपेपर है इसको चेंज करना चाहते हैं एंड इसके वॉलपेपर की जगह पर आप अपना वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, खुद का वॉलपेपर, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मोबाइल का जो वॉलपेपर है इसको कैसे चेंज कर सकते हैं एंड इसके जगह पर आप अपना वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं। सो वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। सो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए सिंपली आपको करना क्या, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ से सिंपली आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है एंड जैसे आप सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको साइड में नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है एंड जैसे नीचे की तरफ में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है वॉलपेपर एंड स्टाइल, तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो वॉलपेपर है ये जब आपका फ़ोन लॉक रहेगा तो ये वाला वॉलपेपर शो होगा एंड जब आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा तो ये वाला थीम आपको शो होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आपको सिंपली करना है कि आपको यहाँ से कट कर लेना है एंड कट करने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है थीम्स, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका नेट ऑन नहीं है तो आपको सिंपली अपना जो नेट है उसको ऑन कर लेना है यहाँ से। तो मैं यहाँ से नेट को ऑन कर लेता हूँ एंड जैसे मोबाइल डाटा ऑन हो जाता है उसके बाद आपको नीचे के साइड में स्वाइप करना है एंड आपको सेटिंग में चले आना है एंड यहाँ पर ये जो ट्राई अगेन लिखा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सारे जो थीम है देख सकते हैं, यहाँ पर पेड थीम है, यानी कि इसको अपने फ़ोन पर लगाने के लिए आपको कुछ रुपए खर्च करना होगा, पहले इसको बाय करना होगा, आपको खरीदना होगा, उसके बाद आप अपने फ़ोन में इस थीम को अप्लाई कर सकते हैं एंड देख सकते हैं आपको करना क्या, आपको नीचे के साइड में जाना है एंड जैसे नीचे के साइड में जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्री, यहाँ पर कुछ फ्री थीम आपको देखने को मिल जाएगी। आपको करना कि आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, जो भी फ्री थीम आपको पसंद आती है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको करना कि आपको नीचे के साइड में यहाँ पर देख सकते हैं एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग होने लगेगा। सबसे पहले ये डाउनलोड होगा, फिर इसको आप अपने डिवाइस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 MB का है, तो आपको इसको डाउनलोड हो जाने देना है एंड जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अप्लाई हो रहा है आपके फोन में एंड देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है एंड यहाँ पर थोड़ी देर आपको वेट करना है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो वॉलपेपर है वो चेंज नहीं हुआ है, इसका जो थीम है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब देख सकते हैं ऊपर साइड में मैं स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो थीम है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, लेकिन इसका जो वॉलपेपर है वो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको इस मोबाइल फ़ोन में कोई भी तरीका वॉलपेपर चेंज करने का नहीं है, लेकिन आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि कुछ लोग जो है कि इस फ़ोन का जो वॉलपेपर है उसको चेंज कर लेते हैं तो वो लोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है एंड जैसे आप सेटिंग को ओपन करते हैं तो यहाँ से आपको कट करना है एंड सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर जब वॉलपेपर एंड स्टाइल वाले ऑप्शन पर आप जाते हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पर पहले एक ऑप्शन होता था चेंज वॉलपेपर का, एक ऑप्शन आता था तो वहाँ से आप सिंपली इसका वह जो वॉलपेपर है उसको चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी वो ऑप्शन यहाँ से हट चुका है, इसलिए आप इस मोबाइल फ़ोन में कोई भी वॉलपेपर चेंज नहीं कर सकते एंड अगर आगे चलकर इस मोबाइल में अपडेट आता है और चेंज वॉलपेपर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है तो वहाँ से आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस मोबाइल फ़ोन में वॉलपेपर चेंज करने का कोई भी तरीका नहीं है, अगर आगे चलकर कोई अपडेट आता है वॉलपेपर चेंज करने का तो मैं आपको वीडियो के जरिए आपको बता दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चल सके कि इस मोबाइल फ़ोन में वॉलपेपर चेंज करने का कोई भी तरीका नहीं है।